आज से कुछ दिन पहले की बात, जब मैं 2019 में 12th पास आउट किया था यार, तो उस समय बहुत ज्यादा इनोसेंट था यार। यहाँ ये जो दाढ़ी देख रहे हो ना, ये दाढ़ी तक नहीं था मेरे यार। उस समय की कहानी है कि जब मैं कॉलेज आने वाला था तो मुझे बहुत ज्यादा एक्साइटमेंट हुआ करते थे अंदर, लाइक लगता था यार कॉलेज जब जाऊंगा तो वहाँ अपने एकेडमिक के साथ, अपने पढ़ाई के साथ साथ ना मैं बहुत सारे दोस्त बनाऊंगा, एंड दोस्त के साथ ऑल्सो मेरे दिल में लगता था यार ये कुछ रिलेशनशिप आएंगे लाइफ में। फिल्म को जब देखा करता था तो मुझे लगता था यार ये मूवी में जो होते हैं यार, कैफेटेरिया में जाकर दो कपल या फिर दो दोस्त जाकर चाय पी रहे होते हैं यार, मुझे ये सारी चीजें लगती थी क्या ये मेरी जिंदगी में आएगी। और ये सारी चीजें जिंदगी में आई, एंड बहुत ज्यादा इमोशनल वाला वो एक मोमेंट कभी कभी सोच कर लगता है कि ये सारी चीजें आई और अभी भी है, लेकिन यार ये सारी चीजें सिर्फ और सिर्फ एक महीने में खत्म होने वाली है। अब वो दिन हमारा खत्म होने वाला है कि हम जब चाय के नुक्कड़ पर सारे दोस्त खड़े होकर फोटो खींचे। देखो ना तेरे बिना मैं सुबह भी गवाना ना चाहता, मैं दूंगा गवा भी मैं बातों से हावी, ये दिल की जो चाबी घुमाना ना चाहता, ये कैसी बेताबी, मैं हाली में सोचू जो थाली में खाना परोसू वो जाली और खाली सा लगता, मैं माली जो डाली को नामों से भरता, मैं गाली जो सामने देने से डरता, मैं मरता हुआ यादों से नींद में भी आंखें बंद करके ढूंढ लूं भीड़ में भी, अजीब सी बात है कि ठीक सा ही लिखता। 2019 में जब मैं क्लास में गया, बहुत सारे लड़के थे, बहुत सारी लड़कियां थी, बहुत इंटरेस्टिंग पॉइंट था यार। वो पल जो मेरे को याद आता है ना, बहुत ज़्यादा यार वो खुशी के पल होते हैं यार, वो आपके भी पल होंगे जब आप भी खुशी से बोल रहे होंगे। कॉलेज में गया, नए नए क्लास से पहला दिन था, ऑडिटोरियम में बैठा था, सारे लोग आए क्लास में, अरे यार वहाँ पर जो हमारा गॉसिप चला था वो बहुत ज़्यादा ही यूनिक था। मेरा पहला दोस्त बनने वाला था शिवम, और एक और शिवम था, दो शिवम एक साथ मेरे दोस्त बने थे यार, वो बहुत ही मेरे परमानेंट दोस्त रह गए, वो हमारे लास्ट तक के दोस्त रह गए। एंड पहला दिन का जो आपका दोस्त होगा ना यार, वो आप हमेशा आप उसको याद रखोगे, क्योंकि वो आपकी कॉलेज लाइफ का पहला दोस्त बनने वाला था, एंड वो आपके दिमाग में अट जाता है, अंदर घुस जाता है। और मेरा वो दोस्त था शिवम, हम लोग साथ में क्लास में फिर आने लगे, क्लास में आते आते बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व होने लगे। शुरू शुरू के दिन थे, बहुत सारे ग्रुप्स नए नए बने, बहुत सारे नए नए ग्रुप्स थे, किसी ग्रुप्स का नाम चिल्लर पार्टी था, किसी ग्रुप्स का नाम थर्ड पार्टी था, ना बहुत सारे हमने खोखला ग्रुप, बड़ा हुआ ग्रुप, प्रोग्रामर ग्रुप यार, मारपीट वाला ग्रुप, एक ऐसे ऐसे ग्रुप्स बने जो कि मतलब क्या ही आपको बताऊँ, वो जो माहौल थे ना यार वो बहुत इंटरेस्टिंग था। कहानियाँ ऐसी बीतती चली गई कि लाइक पहला सेमेस्टर निकला, दूसरा सेमेस्टर निकला, एंड यार ये मोहब्बत का मेरा सिलसिला चलता रहा यार। चूंकि ज़िंदगी में हर चीज़ एक्साइटमेंट वाली हो रही थी, तो कोरोना भी बहुत एक्साइटेड होकर हमारी ज़िंदगी में एंट्री मारा, हम भी एक्साइटेड थे यार। हमें उस समय पता नहीं था यार कि ये जो चीज़ें हम जो अभी जी रहे हैं, वो हम सारी चीज़ें आने वाले 15 दिन में मिस करने वाले हैं यार। एक दिन का लॉकडाउन लगा था, एंड ये लॉकडाउन रेगुलर चलता गया, हमारा सेकेंड सेमेस्टर चला गया, थर्ड चला गया, फोर्थ चला गया, एंड स्टिल यार 5 सेमेस्टर में आकर हमने अपना कॉलेज ज्वाइन किया। लॉकडाउन लगा था तब बहुत से नए नए चेंजिंग आए हमारे लाइफ में, बहुत से जो हमारे दोस्त फर्स्ट और सेकेंड सेमेस्टर में बने थे, उन सारे दोस्तों में कुछ दोस्त गहरे वाले दुश्मन बनते चले गए, कुछ दोस्त बहुत गहरे बनते चले गए, कुछ दोस्त से तो ऐसी ऐसी हरकतें हुई ना यार, मार पीट, हल्ला हंगामा, बहुत ही नए नए पंगे हमने दिए। किसी ने प्रोग्रामिंग पर स्किल बढ़ाए, किसी ने कम्युनिकेशन पर बढ़ाया, तो किसी ने यूट्यूब पर अपना करियर बनाया। सेमेस्टर में जब हम कॉलेज में दोबारा इंटर कर रहे होते हैं, तब हमें लग रहा होता है यार कि हम वही फर्स्ट सेमेस्टर के स्टूडेंट हैं, जो कि हमें लग नहीं रहा होता है कि हम सीनियर बन चुके हैं, हमारी नॉलेज जो है ना यहाँ से लेकर यहाँ अपग्रेड हो चुकी है। हमारा स्किल ये नहीं फील करवा रहा होता है कि हम बहुत आगे बढ़ चुके हैं यार, हमें ये नहीं पता चल पा रहा होता है कि हमारा दाढ़ी हो गया, हमें मूंछ हो गया है, बहुत सी चीज़ें चेंजिंग हो चुकी थी। हम पहले जिसके साथ बैठा करते थे, आज वो कहीं और बैठते थे, एंड यार बहुत से रिलेशन थी जिसमें कि बहुत ज़्यादा गैप आने लगे थे। इन सारे चीज़ों के साथ कहीं ना कहीं एक चीज़ बहुत मिस था हर किसी की ज़िंदगी में, हम अनस्किल्ड टाइप का फील कर रहे होते थे, हमें ये नहीं लगता था कि यार हम कुछ कर सकते हैं लाइफ में। लेकिन यार उसके दरमियान भी हमने बहुत ज़्यादा मेहनत की, हमने वेब डेवलपमेंट सीखा, हमने बहुत सी नई नई चीज़ें एक्सप्लोर की जो कि हमने कोरोना वाले सेशन में नहीं किया था। मेहनत का सिलसिला चलता चला जाता है, ये मेहनत का सिलसिला चलता चला जाता, और आज भी वो टाइम है जब ये मेहनत का सिलसिला चलता चला जा रहा है। एंड यार अब मुझे लगता है, और मुझे मेरे सारे दोस्तों की बातें सुनकर लगता है यार, कहीं ना कहीं अगर हमें उस टाइम में ये पता होता यार, इन सारे चीज़ों पर हम अगर शुरू से फोकस करते तो हमारा ये चीज़ बहुत बेहतर होता। अगर उन सब्जेक्ट पर अगर हम शुरू से फोकस करते तो मेरा ये ज़्यादा बेहतर होता, तो मे भी मुझे लगता है कि आज हम इस तरीके से स्ट्रगल ना कर रहे होते। तो प्लीज़ यार, अगर आप एक स्टूडेंट हो,
एंड यार आप कॉलेज में जाने वाले, आपका फर्स्ट दिन बहुत ज़्यादा एक्साइटमेंट वाला होने वाला, यू विल बी एक्साइटेड सो मच यार। कैसा होगा वो दिन जब आप कॉलेज में जाओगे, बहुत से लोग होंगे वहाँ पे, नए नए लोग होंगे, बहुत ज़्यादा एक्साइटमेंट वाला सेशन होगा एंड सर आपके समझा रहे होंगे, आप कोडिंग पढ़ रहे होंगे, बहुत सी नई नई चीज़ें लाइफ में आ रही होगी, दोस्त आ रहे होंगे, हर चीज़ों को एक साइड में रखकर आप अपने स्किल पर पूरा फोकस करना एंड यार लाइफ का एक एक पल को पूरे दिल से जीना यार, ताकि फाइनल ईयर में आने के बाद आपको ये नहीं लगे कि यार मैंने लाइफ का वो पल को जो है ना मिस कर दिया। तो यार आज का व्लॉग सिर्फ इतना कहना था कि आप अपने स्किल पर फोकस करें एंड सबसे इम्पॉर्टेंट स्किल होता है, चाहे वो लाइफ का आपका बहुत ही ज़्यादा मेहनत वाला पार्ट क्यों ना हो, चाहे वो लाइफ का यार वो भी एक पढ़ाई का पार्ट है, वो भी एक स्किल का एक पार्ट है, या इन सारे पार्ट को जोड़ते हुए हम क्यों ना एक अलग दुनिया बनाएं जिसमें 3 इडियट्स से भी बेहतर मूवी हमारी ज़िंदगी का बन रहा हो। यार ऐसे के लिए हमें मेहनत करना होगा, हम मिलकर मेहनत करेंगे, सब मिलकर मेहनत करेंगे एंड यार प्लेसमेंट आपकी भी होगी, प्लेसमेंट मेरे भी होगी, यार इतना मेहनत किया नौकरी तो ले ही लेंगे। तो यार इन सारे बातों के साथ मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, जब तक के लिए थैंक यू सो मच एंड बाय बाय। अगर आपको लगता है कि कुछ चैनल है जो कि बहुत ज़्यादा ही दिल को टच कर जाता है, तो प्लीज़ यार यहाँ पर बटन है सब्सक्राइब का, उसे प्रेस कर देना एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस व्लॉग, मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, जब तक के लिए थैंक यू सो मच।